हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिटी टूरिज्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों, मैं आया हूं गोल्डन आइलैंड, जो कि कोरबा जिले का बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जगह घूमेंगे और साथ ही इसके बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, यह कोरबा जिले में स्थित है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोग लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बताया है जो गोल्डन आइलैंड है कोरबा जिले में स्थित है, जो कोरबा जिले मुख्यालय से लगभग 97 किलोमीटर दूर और बिलासपुर शहर से लगभग 168 किलोमीटर दूर आपको हसदेव वांगो रिजर्वायर में पड़ेगा, जो कि बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसाहट से होते हुए आप इस जगह तक पहुँच सकते हैं। आप यहाँ आने के लिए कार या बाइक का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यह जो जगह है यह कोरबा जिले में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ का मॉरीशस कहा जाता है। यह कोरबा का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है दोस्तों। यह खूबसूरती के मामले में इस जगह का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको हर फॉरेन कंट्री के बीचेस पर आ गए हैं। यहाँ पर जो हसदेव वांगो रिजर्वायर का पानी है और जो आइलैंड है उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे तो दोस्तों, आप इस जगह पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे बेस्ट समय सर्दी या फिर बरसात का होगा। और जो यहाँ का सनसेट होता है दोस्तों, जो शाम का समय होता है, उसका नज़ारा तो देखते ही बनता है। यह जो जगह है दोस्तों, यह शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल पेस है और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर आप कोरबा ज़िले में आते हैं और कोरबा ज़िले में आपको एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट देखना है दोस्तों, तो यह जगह सबसे आपके टॉप लिस्ट में रहनी चाहिए और टॉप लिस्ट में होगी भी, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ आते हैं दोस्तों, तो आप कैंपिंग, नौका विहार, पिकनिक वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पास कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ रुक सकते हैं, पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। नेचुरल प्लेस है और आइलैंड्स का जो नज़ारा है वह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप इस जगह पर आए हैं तो कमेंट पर अपना एक्सपीरियंस लिखें, साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।